स्पेस में अच्छा के करता हुआ एक परसेंट आप समझ लीजिएगा कि 21 के बाद की को करता उसके बाद, पावर में ही देखें तो पावर ग्रेड लगभग डेढ़ दो सौ बानवे पैंतालीस का भाव यहां पे है पूरी स्क्रीन पे अभी तक एज ऑफ नाउ पावर और उसके बाद जरा एक बार रियल स्टेट में गोदे प्रॉपर्टीज लेके आइएगा एट टू फाइव डबल वन

हमने अब शनिवार की कैंडल के हाई को क्रॉस कर लिया है अनुज एच बैंक एट सी बैंक सिक्स मेरे रेडार पर एक और स्टॉक था प, आ, आई एक्स लेकिन वो इतना न, इतना वॉलेटाइल रहा इसलिए मैंने उसको लिया नहीं था स्पॉटलाइट में शॉर्टलिस्ट जरूर हुआ था लेकिन खैर एनी anyway, वे अभी भी मैं सिर्फ स्पॉटिंग के लिहाज से बोल रहा हूँ उसको लेकिन दालमिया भारत में एक अच्छा मोमेंटम है इस समय बी अच्छा मोमेंटम बी एच ई में उसके अलावा ये भी फैशन रिटेल गुजरात गैस ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम अच्छा खासा है चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं बाय द वे बैंक निफ्टी पर नजर रखिए बैंक निफ्टी की हमने बात की थी अब आउट परफॉर्मेंस की और अब 47433 और मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते हुए 47500 तक का मेरा एक व्यू था कि आना चाहिए बैंक निफ्टी पे आज आपको और 47440 ऑलरेडी बैंक निफ्टी पर गुड मॉर्निंग गावा सर क्विक सिंगल गुड मॉर्निंग क्विक सिग्नल है पावर ग्रेड पावर में पावर है तो मुझे लगता है 291 पर ट्रेड कर रहा है ये 300 की तरफ जा रहा है पहला टारगेट टू नाइनटी सिक्स थ्री हंड्रेड आते दिनों में देखेंगे स्टॉप होगा करीब यस yes. 288 का पावर ग्रेड हम्म पावर ग्रेड ये हो गई गाबा सर के पिक चलिए सचिन आपने क्या पिक किया गाबा जी ने ऑलरेडी उसे कवर कर दिया है बट मुझे लग रहा है यहाँ पर एबीबी पे भी ध्यान देना है चॉइस uh, होगी एंड uh, पिछले हफ्ते में फारेज़, फारेज़, इसने एक बना रखी है तो मुझे लगता है फिफ्टी फाइव हंड्रेड जब तक होल्ड uh, रहा है तब तक लॉस इन मोवमेंट अब नहीं होगा इनफैक्ट एक छोटा सा कंसोलिडेशन है कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की प्रॉबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है इमीडिएट so, बेसिस

बी एच ई एल पेल पे इसको पहले भी हमने कवर किया और मुझे लगता लगता है 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 जिस तरह से वो आउट है, मुझे है ये पैन आउट हो रहा है। जो अप है, तो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका टारगेट होगा पहला टू फिफ्टी टू का अगर वो निकल जाए तो टू सिक्सटी तक की जगह बनेगी तो भेल इज okay, चंदन आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में जी अनुज मैंने भी बी पे फोकस किया बट राजेश जी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं दूसरे स्टॉक पे ध्यान रखूंगा आप आ, हमारा मानना है पावर एनर्जी इन सब में अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा तो मैं गेल पे फोकस कर लेता हूँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है कंसोल्टेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है वन का सपोर्ट रहेगा ऊपर में वन के टारगेट के लिए ओके गेल और मानस आपका पिक क्या रहेगा अरु जी आ, मेरा पिक टाटा कम्युनिकेशन रहेगा यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहे रहेगी हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड तो पहले से ही था लेकिन अब आज स्टॉक ने जो पिछले आ, लास्ट ईयर के हाइस से उसको भी ब्रीच किया है तो टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी उन्नीस सौ उनतीस नाइनटीन ट्वेंटी नाइन का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव दो हजार पच्चीस के टारगेट सेट करने हैं ये कैश लेवल्स हैं लेवल का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है सेवेंटी वन रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है वहां पर फिफ्टी नाइन रुपीज के स्टॉप लॉस से नाइनटीन सिक्सटी का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है और इस ऑप्शन में आप 95 के टारगेट सेट कर सकते हैं ओके okay. चलिए एक काम करते हैं आज के हमारे वो बिग स्टॉक्स वाली प्लेट एक बार अगर दोबारा दिखा सकें आप और आज जो चारों के चारों स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में हैं और ख़ास तौर से बी एच इसका एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए देखिए आज के बिग स्टॉक्स थे हमारे और काफ़ी में तो स्क्रीन पे तेज़ी हो रही है इनफैक्ट एक बार बी एच लेकर आइए इंटरडे और इवन खुलने के बाद ये तेज़ी ऐसा नहीं है कि बस गैप अप हो गया और वहीं पर मामला सेटल हो गया ये देखिए अप के बाद भी अगर आपने लिया दो सौ पे भी लिया आपने दो सौ पर तब भी अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर और इवन एन में भी मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम है तो आज वो क्लियर कट एक थीम थी कि उस पर फोकस करिए आप वो ट्रेड काम करती हुई हमारे साथ हेमग जानी जुड़े हैं हेमंग जी गुड मॉर्निंग पावर शानदार मोमेंटम है यहाँ पर कोई पिक आपकी स्पेस में Uh, a... man, go ahead. So, uh, अगर आप आवर सेक्टर में देखें तो uh, कुछ के नतीजे काफी अच्छे थे और जो uh, on -calls और जो गाइडेंस आ रही है वो भी काफी एनकरेजिंग है तो हमें लगता है कि uh, सिलेक्ट स्टॉक है थर्मैक्स है BBB, I think already discussion, uh, आ, कर चुके हैं उसके ऊपर के नतीजे काफी अच्छे थे तो जिस तरह का साइकल हम देख रहे हैं जिस तरह की ट्रैक्शन हम देख रहे हैं सेक्टर के अंदर उसको ध्यान में लेते हुए ये बरकरार रहेगा स्पेसिफिकली अगर बात करें स्टॉक्स की तो थर्मेक्स के अंदर एक आ, काफी पॉजिटिव रुझान है और अगर मिड कैप की करें तो सेगमेंट विच इज रिलेटेड सेगमेंट उसमें यू नो एलजी इक्विपमेंट में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है है हमें लगता कि टेक्निकली भी ये स्टॉक काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना चुका है नंबर्स काफी बढ़िया थे तो इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म में 10 से 12 परसेंट की आपको ओके थर्मैक्स हेमाग जी की कॉल है थर्टी सिक्स की पावर स्पेस स्क्रीन पे इस वक्त वाइब्रेट करता हुआ पावर 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 एक स्टॉक जिसने किसी ने मार्क नहीं किया मैं उसको रखना चाहूंगा एक बार लेके आइएगा आप टाटा पावर को 387 चंदन अभी तक ये मार्क नहीं हुआ बट मेरी नज़रें इस पर थी आई I मीन mean, इसने 12 फरवरी के बाद के अपने पूरे के पूरे, के पूरे क्लस्टर को बाइसेक कर दिया चंदन ओ आई लेकर आइए डाक्टर सगरा स्क्रीन पर एक बार प्लीज़ ओ आई में एक सब्सटेंशियल गेन है और आ, आपका व्यू चंदन आई I मीन mean, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ अभी तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया है कोई ऑप्शन स्लाइटली आउट ऑफ मनी या फिर फ्यूचर्स पर आपका टेक शॉर्ट कवरिंग है जी वीरू देखिए सारे के सारे पावर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं पावर एनर्ज हाँ बिल्कुल सारे के सारे पावर स्टॉक अच्छे लग रहे हैं चाहे बी की बात करें इवन पावर एनर्जी गैस सब अच्छे लग रहे हैं बी जिक्र किया था गेल जिक्र किया था एनटीपीसी अच्छा लग रहा है पावर ग्रिड में जो नया ब्रेकआउट होता है वो कहीं ना कहीं तीन की 310 तरफ इसको ले जाना चाहिए तो मौजूदा लेवल पर भी हम खरीदारी की सलाह दे सकते हैं टू का सपोर्ट रहेगा ऊपर में तीन के इमीडिएट टारगेट के लिए किसी को यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करना है तो स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक पे फोकस किया जा सकता है मैं 295 का पावर ग्रिड का कोल देख रहा हूं जो लगभग दस रुपए दस रुपए पचास पैसे के आसपास चल रहा है इसको खरीदें सात रुपए का सपोर्ट रहेगा ऊपर में सोलह रुपए के टारगेट के लिए ओके मेरे ख्याल से आप ढंग से सुन नहीं पाए आ, मैं टाटा पावर, पावर पे प्रश्न पूछा था खैर आपकी कॉल ये होगी टाटा पावर पर आपका व्यू क्या है बिल्कुल टाटा पावर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और यहाँ पे पिछले लगभग 15-16 दिनों का कंसल्टेशन ब्रेकआउट होता है इनफेक्ट चार दिनों से हायर लोज के सीक्वेंस बन रहे हैं तो पॉजिटिव व्यू है 380 के सपोर्ट से इंट्राडे भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं ऊपर में 398 से लेके 400 तक के टारगेट के लिए और टाटा पावर के ऑप्शन की बात करें तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं लगभग तीन की कॉल देख रहा हूँ जहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट है ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो थोड़े शॉर्ट्स भी यहाँ पे कवर हुए हैं नीचे में पुट राइटिंग है 390 का कॉल लगभग बारह रुपए के आसपास लेने की सलाह रहेगी आठ रुपए का सपोर्ट है बीस से बाईस के यहाँ पे टारगेट होने चाहिए ओके अच्छा सुबह के क्विक सिंगल्स में दो स्टॉक्स खैर बी तो खैर स्टैंड आउट कर ही रहा है लेकिन उसके अलावा दो स्टॉक्स स्टैंड आउट कर रहे हैं इन दोनों पर एक बार इन दोनों को रिविजिट करते हैं एक है ए बी बी ए बी बी खैर क्या शानदार स्टॉक रहा है मेरे ख्याल से पिछले एक महीने का सबसे शानदार स्टॉक ए रहा है और दूसरा स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन इन दोनों पर बात करते हैं Uh, Sachin, आपने पिक किया था uh, बताइए पर अब नेक्स्ट uh, टारगेट्स क्या बन रहे हैं यहाँ पर जी यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है uh, 5620 का जो टारगेट है वो तो uh, एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा मुझे लग रहा है एक से दो दिनों में हासिल हो जाना चाहिए बट पोजिशन ही मुझे लग रहा है एक काफी लेवल uh, 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 का तो uh, के लिए मुझे लग रहा है अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक uh, को होल्ड करना चाहिए एंड एक अच्छे ट्रेडिंग स्टॉक मेके मूव राइड right की जा सकती है टेक्निकली uh, देखे तो मुझे लग रहा है फिफ्टी फाइव हंड्रेड का ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है

एक चीज़ समझ लीजिए आप कि जो मिड कैप्स है ना वहाँ पर पिछले कई दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और आज फिर मिड कैप इंडेक्स अब डेलो पर आया और एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए एडवांस डिक्लाइन भी आएगा आपकी स्क्रीन पर इस समय ये देखिए एडवांस डिक्लाइन ये भी थोड़ा सा इस समय ख़राब हो रहा है तो इस पर थोड़ी सी आपको नज़र रखनी होगी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ट्रेड्स लें कि मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स में कन्विक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू मिड कैप्स ऐसा नहीं कि मिड कैप्स बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट रिवर्सल्स uh, के साइन हैं कुछ मिड कैप्स में तो उस चीज़ को uh, समझ कर ही ट्रेड uh, करें हाँ हालांकि हमने कुछ मिड कैप्स चुनें जो अभी भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन प्रेशर कहाँ पर है आज मेटल्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है सेल जे स्टील टाटा स्टील वो क्लियर कट एक सी की रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट यहाँ पर और इन्फ्लुन्शल हाउसेस सी एल उनकी रिपोर्ट का यहाँ पर एक इम्पैक्ट आ रहा है लेकिन हिमांग मेटल्स में आपका क्या व्यू है क्या पर्सपेक्टिव है और कोई स्टॉक आप पिक करना चाहें तो मेटल्स में, में अनुज एक अच्छा पुलबैक ऑलरेडी हम देख चुके हैं अगर आप देखें तो जिंदल स्टील एंड पावर जिंदल को जहां पे एक रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी कूल ऑफ हुई थी वो रिकवरी हो चुकी है इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स इतने एनकरेजिंग नहीं है और हमें लगता है कि एक रेंज में ही रहेगा और अगर इसके अंदर कोई करेक्शन आता है तो जिंदल स्टील एंड पावर ये स्टॉक हमारा प्रिफर्ड पिक है अगर ये तीन से चार परसेंट की अगर कहीं पे करेक्शन दे देता है एनी डे जैसे आज हम देख रहे हैं करेक्शन में तो डेफिनेटली उसमें लेना चाहिए बिकॉज डोमेस्टिक फोकस्ड है जो वॉल्यूम ग्रोथ प्राइजिंग ये सारी चीज में काफी फेवरेबल लग रहा है बट यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव व्यू लेके चलना चाहिए ओके okay. थोड़ा सा बजार रिट्रेस होता हुआ आई थिंक में जो ओ आई से देखा था थोड़ी सी पोजिशन अगर आप हायर लेवल पर थोड़ी सी कटी थी निफ्टी में थोड़ा सा ओ आई शायद हुआ था बहरहाल और क्या है स्क्रीन पर जो अच्छा कर रहा है सोफ ना मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि जो मोमेंटम है ना एग्रेसिव स्टॉक्स से हट के धीरे धीरे निफ्टी फार्मा की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी फार्मा लेके आइए डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़ और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो हायर लेवल्स पर थी इंडेक्स में वो क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि थोड़ा सा डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा सा अगर आप देखें एग्रेशन जो है वो अब फार्मा की तरफ पड़ रहा है एक बार आप लेके आइएगा औरो जो ऑरो हमने पिक किया था शनिवार के छोटे से, से सेशन में और वो क्या बेहतरीन भागा ल्यूपिन एट डे हाई ऑरो हज़ार बानवे माना से ये ट्रीट पकड़ा था हमने शनिवार को सुबह सुबह हज़ार बानवे पचपन के आसपास हज़ार बानवे हो गया आपका व्यू ल्यूपिन पे क्या कर रहा है इस वक्त ये अरविंदो फार्मा पे जी जी तो और फार्मा में जब लास्ट सेशन में बात हुई थी तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को याद पड़ता है एक हजार नब्बे के आसपास के टारगेट की बात हुई थी वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं लेकिन ट्रेंड तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है और आज के पैटर्न को भी देख देख के लग रहा है कि जो नया टारगेट होगा वो ग्यारह के आसपास का होगा तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है तो बिल्कुल बने रही स्टॉप लॉस को रिवाइज करके सेवन के नीचे कर लें वाकई फार्मा अनुज ये मैं शनिवार को भी नोटिस कर रहा था फार्मा में और एट हायर लेवल्स आ रहे हैं स्टॉक्स या फिर सेक्टर सेग्रेशन दिखा रहे हैं कभी बैंक निफ्टी कभी मेटल्स कभी आईटी कभी ऑटो लेकिन फार्मा में अब हर रोज़ कहीं ना कहीं आप देखिए बाइंग एफर्ट्स हैं आप स्टॉक्स का बिहेवियर देखिए आपका वो लुपिन औरविंदो डॉक्टर एडीज क्या फार्मा वाकई इन लेवल्स पे एक कंफर्टेबल स्पेस है बाजार के लिए सिक्योर सुरक्षित थोड़ा सा और एक चीज़ जो हो रही है फार्मा में हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का इम्पैक्ट आता है लेकिन ये रिस्क ऑन में भी चल रहा है रिस्क ऑफ में भी चल रहा है तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्लियर कट एक जे? लोगों की एक अप्रोच है फार्मा में एक पोर्टफोलियो अप्रोच और मेरे ख्याल से अभी भी एक स्पेस है जो अपनी ऑल टाइम हाई के हिसाब से बहुत अंडर ओन्ड है बहुत ही अंडर ओन्ड एक स्पेस है अभी भी और ये मेरे ख्याल से एक कारण है कि ये लगातार हाइस बना रहा है और आपको याद होगा कोविड के बाद एक बड़ा मूव आया था लेकिन वो फिजल आउट हो गया था लेकिन इसके बाद ये वाला जो मूव है ना वो जो कोविड के बाद मूव आया था वो तो अपॉर्चुनिस्टिक मूव था कि नियर टर्म में अच्छा मोमेंटम आएगा ये वाला जो मूव है ना ये क्लियरली एक लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरीके का मूव लूपिन में आया ना शायद अब मार्केट प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है उसी तरीके के मूव बाकी स्टॉक्स में और वही मार्केट यहाँ पर एक कॉल ले रहा है लूपिन तो खैर ऑब्वियसली एक हमारा एक सबसे सबसे शानदार परफॉर्मर रहा है लेकिन यही मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है और दो तीन स्टॉक्स में ग्लेनमार्क में फॉर एग्जाम्पल बायोकॉन में फॉर एग्जाम्पल फार्मा में फॉर एग्जाम्पल तो ये मुझे लग रहा है कि एक बास्केट कॉल ली गई है यहाँ पर कि पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर जो है शायद कुछ अच्छा करने के मूड में जी हाँ फार्मा और यकीन मानिए निफ्टी फार्मा को रखिए स्क्रीन पर डे हाई पर जैसे ही हमने झुकाव थोड़ा सा फार्मा पे किया और मैं एक लेके आता हूं आपके स्क्रीन पे एक बार देखिए आप बायोकॉन को स्टॉक वो चुनिए जो लोअर टिजिक्ट्री से बाहर निकलता है ठीक ऐसा ही स्टॉक हमने स्पॉट किया था मुझे याद है आशीष बहती जी दो सौ इक्यासी का भाव मेरे स्क्रीन पे है स्पॉट में स्पॉट पर आपकी टिप्पणी फ्यूचर्स पे आपकी टिप्पणी और कोई इस एग्रेशन को आ, प्ले करने के लिए कोई कॉल ऑप्शन आपके जहन में आता है मैं डायरेक्टर साहब बायोकॉन की बात कर रहा हूं सुपर हाँ का स्ट्रक्चर काफी अच्छा और जैसे आपने बताया इक्कीस कि फरवरी के सारे हाईस को आज वो टेकआउट कर रहा है और टू हंड्रेड एंड नाइनटी एंड टू हंड्रेड नाइन सेवन तक के, दिखाने के लिए तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें आज डे लो के करीब का एस मेंटेन करे टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन का एस एल इसमें मेंटेन करने की सलाह है अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदने की सलाह रहेगी 285 का का जो कॉल कॉल है है या के भी में बनाई जा सकती अगर कॉल ले रहे हैं जो कि आठ द मनी के करीब है तो ग्यारह रुपए का चल रहा है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो आठ रुपए का कैसे मेंटेन कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें सत्रह रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं ओके है okay. hmm. कुछ और स्टॉक्स में देख रहा था जहां पर मोमेंटम अच्छा है और गेल की हमने खैर बात की ही थी गेल में अच्छा मोमेंटम आया और उसके अलावा मोमेंटम कहाँ है मुथूट फाइनेंस हैं मुथूट नहीं डिस्कस किया हमने अब तक मुथूट फाइनेंस लेकर आइए एक बार चंदन कोई व्यू आपका मुथूट फाइनेंस पर बिल्कुल आ, मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस बॉटम आउट प्रोसेस देखने को मिल रहा है स्टॉक थोड़े सप्ताह से एक अंडर परफॉर्मर बन रहा था आप लगभग देखोगे कि पिछले नाइन वीक में ये काउंटर 1500 ऊपर में लगभग आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है पंद्रह से लेके नीचे में 1260 और अब एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है वीकली चार्ट में एक बुलिस कैंडल के साथ फॉलोअप बन रहा है तो थोड़े से बाउंस होंगे हाउ हाउ अंडर परफॉर्मेंस है बट एक बार के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की वजह से स्विंग बनेंगे तो 1315 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे ऊपर में तेरह सौ नब्बे के एक बार के माउस को प्ले करने के लिए ओके अच्छा अब एक बार लेकर आइए अब आज का स्टॉक ऑफ द डे बी एच ई एल और बी एच ई एल देखिए आज सुबह हमने पिक किया था एज आर बिग स्टॉक और आ, उसको पिक करने का रीजन क्या था कि जो एन टी पी सी का जो बड़ा प्रोजेक्ट इनाग्रेट होने जा रहा है उसको बनाने वाला बी एच ई एल ये और इसके लिए इनफैक्ट बी एच ई एल वॉज द ओनली बिडर उसमें और अब साढ़े छः परसेंट के मूव बहुत शानदार मोमेंटम रहा उसमें और उसके बाद बी को एज क्विक सिंगल पिक किया था राजेश सतपुते ने राजेश जी आपके टारगेट्स के पार निकलता हुआ बुक कर लें या बने लें देखिए स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट था अनुजी टू फिफ्टी टू का पहला टारगेट के लिए अगर किसी ने ट्रेड लिया तो डेफिनेटली बुक कर सकते हैं लेकिन जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है मुझे लगता है ये टू सिक्सटी तक जाएगा जो हमारा दूसरा टारगेट था तो जिन्होंने लिया है उनके लिए तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा वक्त दे तो आप इसको 260 का टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस को सिर्फ नया नया रहेगा स्टॉप लॉस दैट विल बी 247 247 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे मुझे लगता है अबाउट टू 260 तक आराम से जाए हम्म विरो देखिए क्या शानदार मोमेंटम है BHIL में वैसे और ये आज फीलिंग आ रही है ये कि मतलब बस... एक बार टेंप्रेरी फ्रीज की तरफ भी बढ़ सकता है जिस तरीके से चल रहा है ना ये स्टॉक का अच्छा इन स्टॉक्स में क्या होता है ना इन स्टॉक्स में एक चीज़ का और ध्यान है? रखें कि इंट्राडे में अब कैसे अप्रोच करना है अब मेरे ख्याल से जो डिप्स मिले वेब पे आए तो वहाँ पर नॉर्मली आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश करते हैं लेकिन खैर सुबह हमने लिया था इसको बिग स्टॉक में मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना चलेगा लेकिन फिर मार्केट मोमेंटम है इस समय तो वहाँ पर जो चीज़ चलती है वो इसी तरीके से चलती है गजब स्पॉटिंग थी और डे हाँ ट्रीट करता हुआ शनिवार को भी इसकी ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी उसके बाद हल्का सा बैकफुट पे आ गया था बट ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज याद रखिएगा शुक्रवार को भी और शनिवार को भी अच्छे थे छोटे सेशन में भी बट मीन अब डे हाई पर आके ट्रीट करता हुआ सवा छह परसेंट ऊपर हमारी फार्मा की स्पॉटिंग बेहद शानदार टाइम पर रही जरा एक बार डायरेक्टर साहब लिख आइएगा निफ्टी फार्मा और आपको बताएं स्क्रीन पर बात करते 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 कर आप देखिए वो इंडेक्स उन्नीस हज़ार चालीस का उन्नीस एक सौ बीस हो गया एंड आप देखिए कि मोमेंटम कैसा है डॉक्टर रेडीज 6430 तीस हो गया और मैं एक बार बता रहा हूँ आई मीन राय खैर मेहमान ही देंगे बट ये कैंडल अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस बटोर रही है कि पूछिए मत चंदन आपकी राय चौसठ पच्चीस पे कैंडल पूरे के पूरे आई थिंक आप समझ दीजिएगा तो प्लीज बिल्कुल देखिए वीरू सबसे पहले तो डॉक्टर रेडी अपने लगभग 12 दिनों का कंसोल्टेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है इनफैक्ट पूरा फार्मा सबसे पहले तो निफ्टी फार्मा 12 दिन के कंसोल्टेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है जो एक बड़ा मोमेंटम पूरे सेक्टर को दे सकता है अब हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो दो दिन पहले एक बड़ा डेंट देखने को मिला था बट वापस रिकवरी हुई है तो ना कहीं इंडिकेशन यही है कि बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा दूसरे काउंटर सेक्टर के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पे है तो छह का सपोर्ट रहेगा ऊपर में लगभग सिक्सटी के टारगेट के लिए अब ऑप्शन की बात करें तो मैं यहाँ पे छह का या छह का पांच देखता हूं जहां पे प्रीमियम मोमेंटम है 6500 की कॉल में यहां पे स्क्रीन पे लगा रहा हूं लगभग एक रुपए के आसपास है तो 6500 का कॉल ले मौजूदा लेवल पे और 95 का सपोर्ट रहेगा 200 के टारगेट के लिए ओके मीनवाइल देखिए मार्केट में फिर मैं बोल रहा हूं कि मिड कैप में थोड़ा सा संभाल कर ही चले और निफ्टी भी अब डेलो पर आ गया है एक बार ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद अब ध्यान रखें अगर वो सपोर्ट लेवल्स पर आ रहा है तो उसका ध्यान रखें बाईस से बाइस वो एक बाय जोन होगा रेजिस्टेंस वन के काफ़ी करीब पहुँचे हम और बाईस चार सौ इकतालीस तक गए और वहाँ से थोड़ा स्लिप हुए आ, लेकिन अब सपोर्ट वन का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है यानी बैंक निफ्टी लेकर आइए अभी भी ग्रीन में है लेकिन वो भी रेड में आने की शायद तैयारी कर रहा है जिस तरीके से हायर लेवल से स्लिप हुआ है लेकिन मिड कैप तो क्लियरली रेड में आ ही गया है लेकिन आज का सेक्टर है फार्मा और बिंदो फार्मा देखिए क्या शानदार मोमेंटम साढ़े तीन परसेंट ऊपर लूपिन देखिए अब फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ तो यहाँ पर तो मोमेंटम काफी शानदार है चार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें